अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसे कि ठंडियाँ शुरू होने वाली हैं तो स्वेटर बिनने का अलग ही मज़ा है, अपने हाथ से बिनने का, जो अपने हाथ से बिन के हम लोग अपने बच्चों को अपने लिए बिनते हैं उसकी अलग ही खुशी होती है। ये हम आपके लिए बहुत अच्छी डिज़ाइन लाए हैं जो बिनने में बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी होती है। जिसको भी उल्टा सीधा बिनना आता होगा तो ये डिज़ाइन बहुत ही आसान है, आराम से बिन लेगा। बिगनर भी बिन लेगा, जिसको अभी नए नए जिसने स्टार्ट किया है स्वेटर बिनना वो भी बिन लेगा। इसमें तीन और एक का है, तीन बिनना है और एक छोड़ना है। तीन एक की ये डिज़ाइन है, बहुत ही आसान है। आप इसको जैकेट में डालिए, छोटे बच्चे की कार्डिगन में, मफरल में, जहाँ डालना चाहें बहुत ही अच्छा लगे। इसका आप कुशन भी बना सकती हैं इस डिज़ाइन का, बहुत ही अच्छा लगेगा जाड़ों में जब आप कुशन लगाएंगी तो सोफे पे बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने डबल तीली से फंदा डाल लिया है जो ढीला रहता है नीचे से, इसलिए हम लोग डबल तीली से डालते हैं जो फैला रहता है और हमको बिनने में दिक्कत नहीं होती। हमने इसमें 22 फंदा डाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तीली निकाल लेते हैं उल्टे की तरफ। हम पहले उतार लेंगे, फिर उल्टा बिनेंगे, एक उल्टा एक सीधा। फर्स्ट रो हमको इसी तरह कंप्लीट करनी है, उल्टा और सीधा बिन के। ये उल्टा ही सीधे की डिज़ाइन है और बहुत ही जल्दी होती है। ये देखिए हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई बिन के। अब हम सीधे की तरफ आ गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला उतार लिया, फिर ऊन को आगे लाए, उल्टा बिनेंगे, फिर ऊन पीछे ले गए, फिर सीधा बिनेंगे, फिर ऊन आगे लाए, फिर उल्टा बिनेंगे, अब ऊन पीछे ले गए, फिर सीधा बिनेंगे। ये हमने 4 बिन लिया है। अब ऊन आगे लाके सीधा उतारेंगे दूसरी तीली में, फिर उल्टा उतारेंगे और फिर सीधा उतार लेंगे। अब ऊन को पीछे ले जाएंगे दूसरी तीली से, फिर उस पे अपने फंदे को चढ़ा लेंगे और आगे ऊन ला के फिर उल्टा बिनेंगे, फिर ऊन पीछे ले गए, फिर सीधा बिने, फिर ऊन आगे ले आए, फिर उल्टा बिने, फिर ऊन पीछे ले गए, फिर सीधा बिनेंगे, फिर ऊन आगे लाए, तीन फंदा उतारेंगे और ऊन पीछे ले गए। अब तीन एक फंदा छोड़ के तीन उतारना है और फिर उल्टा बिनेंगे, एक छोड़ना है, तीन उतारना। 4 बिन रहे हैं तो 3 उतारना, एक छोड़ देना है।
यही डिजाइन है पूरी। आगे ले आए ये एक सीधा एक उल्टा और एक सीधा, उल्टा वाला ये रह जाएगा। ऊन पीछे ले गए, फिर तीन फंदा उतार लिया। बहुत टाइट नहीं खींचना है ना, बहुत ढीला खींचना है, मीडियम खींचना है एक बराबर, तो बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप टाइट और ढीला खींचेंगे तो आपकी डिज़ाइन बहुत साफ नहीं बनेगी। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने से आपकी स्वेटर अच्छी बनती है और खूबसूरत बनती है, अब बिल्कुल साफ बराबर। अब हम इसी तरह पूरी लाइन अपनी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी लाइन पूरी कंप्लीट हो गई है, ये देखिए सेकंड लाइन पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम पीछे उल्टे की तरफ चलते हैं। अब उल्टे की तरफ हमको वही उल्टे पे उल्टा ही बिनना है, सीधे पे सीधा बनना है। इसी तरह पूरी लाइन हमको कंप्लीट करनी है, ये देखिए उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा। बहुत जल्दी तैयार होती है ये डिज़ाइन और बहुत ही अच्छी लगती है। उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा बिनते जाएंगे, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे ये लाइन। फिर हम लोग थर्ड रो पे पहुँचेंगे। ये देखिए हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम चौथी लाइन पे आते हैं। अब चौथी पे आ गए हम लोग। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले हमने एक छोड़ा था, अब हम लोग चार छोड़ेंगे। एक उतार लिया पहला वाला, अब उल्टा बीने सीधा बीने, फिर उल्टा बीनेंगे, फिर सीधा बीनेंगे, फिर उल्टा बीनेंगे और फिर सीधा बीनेंगे। ऊन आगे किया, एक दो और ये तीन, हमने अब की हमको चार छोड़ना है। बस हर लाइन में एक बार चार छूटेगा, एक बार
दो छूटेगा। इसी तरह हमारी डिज़ाइन है, हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे। शुरू में हम ध्यान दे देंगे तो हमारी डिज़ाइन कभी नहीं ख़राब होगी, एक जैसी आएगी। अगर कहीं ख़राब हो जाए तो आप उसको खोल के सही कर लीजिए, नहीं तो पूरी डिज़ाइन बाद में बीच बीच में आपकी ख़राब लगती है तो फिर अच्छी नहीं लगेगी। ये तीन उतारा, उल्टा सीधा हमको ऐसे ही कंप्लीट करनी है, उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा पूरी लाइन इसी तरह हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो फर्स्ट शुरू से वीडियो देख लिए तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान डिज़ाइन है। ये देखिए हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये सीधे की तरफ देखिए, इतना बिनने के बाद कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो फिर प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। और अपनी स्वेटर में अपने बच्चों के, हस्बैंड के, जिसके चाहिए उसमें आप डाल सकते हैं। ये बनने पे बहुत ही खूबसूरत लगती है और बहुत ही सॉफ्ट रहती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।